सान्या वो दो मैचेस देख के गीतिका के पास गई। ओए देख, अखिल ने जो अकाउंट बनाया था दो मैचेस भी आ गए हैं उस पे। गीतिका ने कहा, अरे वाह, दिखा दिखा, अखिल सच में एक्सपर्ट है क्या डेटिंग एप्स को लेके। गीतिका ने उन दोनों लड़कों की प्रोफाइल देखी, श्लोक और नवीन, और सान्या को भी उन दोनों की फोटोज दिखाई और फिर कहा, दोनों ही लड़के बढ़िया लग रहे हैं वैसे तो, पर तुझे तो नहीं करना ना कुछ भी, तो प्रोफाइल देखकर फायदा क्या, अनइंस्टॉल कर दे ऐप। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब बात करके देख सकती हूँ। अच्छा तो कौन से वाले से करेगी बात, श्लोक या नवीन? दोनों से कर लूंगी। तेरे मन के लड्डू फूट तो है बाहर तक दिख रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं हो रही है तू? अरे दोनों से बात करूंगी तो पता चलेगा ना कि कौन ज्यादा अच्छा है, तो उस हिसाब से फिर आगे का सोचेंगे। हाँ हाँ सब पता चल रहा है मुझे। अरे गीतिका, यूनिवर्स का शायद कोई इशारा हो सकता है। अपने मन की भड़ास तुम यूनिवर्स पे डाल दो, बहुत बढ़िया। वैसे मजाक कर रही हूं मैं, तू ले बढ़ा ले अपनी बात इनसे, ले फोन पकड़ अपना। फिर सान्या अपने बिस्तर पे गई और उसने श्लोक को हाई सेंड किया, फिर नवीन को भी उसी वक्त टेक्स्ट कर दिया। श्लोक का रिप्लाई आया, है या? दो मिनट के बाद नवीन का भी, हाय व्हाट्सअप। फिर सान्या साइमल्टेनियसली उन दोनों से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे मजा आने लगा, फन लगने लगा। वो श्लोक को एक रिप्लाई करती थी तब तक नवीन का टेक्स्ट आ जाता था, फिर नवीन को रिप्लाई करती थी तो वहां से श्लोक कोई सवाल कर देता था। एक सेकंड के लिए भी उसकी उंगलियों को आराम नहीं मिला, वो एंजॉय कर रही थी। उसे उन दोनों से बात करना ही काफी अच्छा लग रहा था। 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, बातें चलती गई, और आज पहली बार गीतिका सान्या से पहले सो गई थी। फिर सान्या को लगा कि अब मिलने के लिए पूछना चाहिए, तो उसने श्लोक को टेक्स्ट किया, आज फ्री हो तुम तो हम शाम को मिल सकते हैं। श्लोक का जवाब आया, श्योर, और उसने लोकेशन भी सेंड कर दी कि कितने बजे कहां मिलना है। सान्या ने सोचा, ये तो शायद मुझसे भी ज्यादा रेडी है मिलने के लिए। और उसी वक्त नवीन का टेक्स्ट आया, हे सान्या, आज शाम को क्या कर रही हो, मिलें क्या? सान्या को नवीन भी उतना ही अच्छा लग रहा था, उसे भी वो इग्नोर नहीं कर सकती थी, पर शाम का तो उसने श्लोक को बोल दिया है। तो उसने नवीन को जवाब दिया, मॉर्निंग में मिल सकते हैं 11-12 बजे के आसपास, अगर तुम फ्री हो तो। और जो लोकेशन श्लोक ने सान्या को भेजी थी वही लोकेशन सान्या ने नवीन को भेज दी, ये सोचकर शायद ये रेस्टोरेंट डेट्स वगैरह के लिए अच्छा होता होगा, थोड़ा मेरा भी वजन पड़े। नवीन का रिप्लाई आया, डन। सान्या ने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 3:30 बज चुके थे। उसने फोन लॉक किया और सोने की कोशिश करने लगी, पर ऐसी सिचुएशन में जल्दी नींद आती भी कहां है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो एक दिन में 2 डेट्स पे जाने वाली है जबकि एक डेट पे वो आज होकर ही आई है, उसे एकदम क्वीन जैसा फील हो रहा था। ऑल थैंक्स टू अखिल। उसने एक बार फिर अपना फोन ऑन किया, श्लोक की फोटो देखी और बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन अनलॉक किया, नवीन की पिक्चर देखी और बंद कर दिया। सान्या रिलैक्स, नॉट अ बिग डील, सो जा, उसने खुद से बात कही और इस बार आंखों को बंद कर लिया। सान्या सुबह 9 बजे जगी, गीतिका उसके सामने ही थी, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। सान्या ने टाइम देखा और फिर स्माइल करते हुए गीतिका की तरफ देखा। फिर गीतिका की जब नजर गई सान्या की तरफ तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? सान्या ने अपना सर हिलाया और बोला, कुछ नहीं। अच्छा कल बात हुई तेरी उन दोनों में से किसी एक से भी? बात हुई, कुछ दिन में बारात आ जाएगी, देख लियो तू। दोनों से बात कर ली मैंने, आज दोनों से मिलने जा रही हूं, पहली डेट अभी है थोड़ी देर में और दूसरी डेट शाम को। अरे वाह, तू तो बहुत ही आगे निकली यार, 2 डेट्स एक ही दिन में, फीमेल बाढ़नी। तुम ही लोग कह रहे थे ना एक्सप्लोर कर, बस वही कर रही हूं। चल आई होप इनमें से तुझे कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा। फिर सान्या फुल नहा धो के रेडी होके अपनी फर्स्ट डेट के लिए निकल गई जो कि थी नवीन के साथ। गीतिका के पास अखिल का कॉल आया, मूवी देखने चलना है आज? हाँ चल सकते हैं। ठीक है तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं 20 मिनट में। अभी एकदम सडनली? हाँ सडन प्लान्स का मजा ही कुछ और होता है।
तुम रेडी हो जाओ, बस आया मैं। तुम भी ना अखिल एकदम पागल हो। आओ फिर, रेडी मिलूंगी तुम्हें। थोड़ी देर के बाद अखिल और गीतिका मूवी के लिए बाहर चले गए। 1.5 घंटे के बाद सान्या घर आई। उसने देखा गीतिका है नहीं। उसे अपनी डेट की बात शेयर करनी थी उसके साथ। फिर वो क्या करती, टीवी चलाकर सोफे पे बैठ गई। कपड़े भी चेंज नहीं किए उसने। शाम को एक और डेट थी ना उसकी, श्लोक के साथ। टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। फिर जब उसकी आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। उसे ध्यान आया, शिट, 6:30 तक तो मुझे पहुंचना है। उसने टीवी बंद किया और जल्दी से घर से भागी। कैब बुक कराने का भी टाइम नहीं था उसके पास। उसने बाहर से ही ऑटो ले ली और भगवान से प्रे किया, इसे तो अच्छा निकाल देना भगवान। अखिल ने गीतिका को उसके घर ड्रॉप किया। इट वॉज फन, मजा आया। सडन प्लान काफी बढ़िया था वैसे, गीतिका ने कहा। मैं आदमी बढ़िया हूं गीतिका, कितना औसम हूं ना मैं। औसम नहीं हो, पागल हो एकदम। पागल ही औसम होते हैं डार्लिंग। तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा मेरे ऊपर? इस चीज में भी तुम्हें दिक्कत है क्या? और मुझसे पहले कितनों को डेट किया है तुमने? 7 लड़कियों को, स्कूल कॉलेज मिला के। 7? मैंने सिर्फ 2। तो इसमें कंपटीशन चल रहा है क्या? नहीं, बट फिर भी 7 तो बहुत ज्यादा है। अरे कैजुअल था बस, ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सान्या को मेरा हेलो बोलना। लव यू गीतिका। और अखिल चला गया। गीतिका ने मन में बोला, पागल है सही में। फिर गीतिका अपने कमरे में गई और फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। सुबह जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करने। आधे घंटे बाद दरवाजे पे नॉक हुआ। गीतिका उठकर गई, सान्या थी बाहर। गीतिका ने दरवाजा खोलते ही बोला, आइए आइए। तो क्या डिसाइड किया आपने, दोनों में से कौन पसंद आया, या दोनों ही पसंद तो नहीं आ गए? सान्या ने गुस्से से गीतिका की तरफ देखा और बिना कुछ बोले फ्रिज के पास चली गई, पानी पिया और आके सोफे पे बैठ गई। गीतिका ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बताएगी, कैसा रहा सब, तू दिन में कहाँ चली गई थी? अरे अखिल के साथ सडन प्लान बन गया था, मूवी वगैरह देखने चले गए थे, तू बता क्या हुआ? सान्या ने कहा, सबसे पहले तो ये ऐप डिलीट करूं मैं, मेरे लिए बनी नहीं है डेटिंग शेटिंग मुझे लगता है। पर सान्या हुआ क्या है बताएगी? गीतिका ने पूछा, तुझे मेरी शक्ल देख के पता नहीं चल रहा है क्या? एक बात बताऊं सान्या, बुरा मत मानियो, नॉर्मली भी तेरी शक्ल ऐसी ही रहती है। हंस मत, अभी मुझे हंसी नहीं आ रही है। हाँ तो बताना क्या हुआ, या ये बात भी सिर्फ अपनी डायरी को ही बताएगी? अच्छा सुन, मैं जब नवीन से मिली, सान्या ने अपनी डेट की कहानी गीतिका को बतानी तो शुरू कर दी है, पर डेट्स पे उसको ऐसा हुआ क्या कि वो इतनी परेशान होकर घर लौटी है? आपका भी सुनने का मन है ना कि सान्या गीतिका को क्या बात बताने वाली है, तो वो भी पता चल जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल Rhyme Attacks, and don't forget to follow me on Instagram @Abhash19.